दस वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। यह आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरिटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग दो गुना होकर 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब यह सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। 300 से अधिक आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च किया गया है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में सांझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व तो उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें 30 मिलियन डॉलर से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर वॉटर से लेकर स्पेस तक फैला है। यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाय सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।